जैन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो बहुत दोस्तों के हमें मैसेज आए थे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। सर बताइए कि जो नोटिस 12 आई बी प्लस एग्ज़ाम के बारे में, उसकी डेट बढ़ चुकी है कि नहीं बढ़ चुकी है? 18 फरवरी हो गई है कि नहीं हो गई है? और एक और तरह का मैसेज आ रहा था भाइयों का कि सर जो एग्ज़ाम डेट तो बढ़ चुकी है, बढ़ेगी नहीं वो बात अलग है, उसके आप बताइए। एक और दूसरा मैसेज, मतलब दूसरे मैसेज ये आ रहे थे कि सर यू पी प्लस के जो फॉर्म की डेट है जो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, 16 जनवरी है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, 20-25 जनवरी होगी कि नहीं होगी, इतने में सर ये 25-30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे कि नहीं भरे जाएंगे, उसके बारे में बात रही थी। तो हम बात करें दोनों की चीज़ कि एग्ज़ाम डेट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और दूसरी चीज़ ये फॉर्म की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, आपको ये नोटिस मिल चुका होगा, नहीं मिला होगा तो देख सकते हैं, और देखने के लिए, पूरा नोटिस देखने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमने मैसेज डाल दिया है। टेलीग्राम ग्रुप है कि लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, नहीं जुड़े हों भाई अच्छे वो जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो अभी मैं देख रहा होगा, नोटिस देख रहा होगा, सीधी सीधी बात है, इसमें लिख दिया गया कि आपको उतना साफ नहीं देख रहा होगा तो मैं बता दूं, एक सीधी सीधी पूरा सारांश उसका एक निकाल के बता दूं। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई है, उसमें बताया गया है कि तय हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम है यू पी प्लस कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम है 18 फरवरी को कराया जाना है। ये है इस नोटिस का सीधा सीधा उद्देश्य, ये है इसमें लिखा गया है। तो अभी नोटिस फेक है कि रियल है, इसकी पुष्टि नहीं करते भैया कि फेक है कि रियल है, क्योंकि नोटिस सही भी हो सकता है और फेक भी हो सकता है। इसके बारे में अभी कोई अधिकतम जानकारी नहीं है कि नोटिस सही है। देखो, बहुत सारे नोटिस निकलते भी हैं, जैसे आपको पता होगा दिल्ली पुलिस के पहले आए थे 27 जनवरी के नोटिस आए थे, फिर आगे 16 जनवरी के, तो अभी 16 जनवरी के ग्राउंड तैयार हो रहे हैं वो अलग है, तो नोटिस आते रहते हैं। तो ये नोटिस की जानकारी है कि आपको इतनी तारीख से क्या है आपका, मतलब कि एग्ज़ाम होना है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें एग्ज़ाम फॉर्म डेट की, तो एग्ज़ाम के फॉर्म की डेट है बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? दो भाई, SSC है जो तो फार्म भरवाती है, जबकि उसके 50 लाख फार्म भरे जाते हैं, SSC की इतनी तगड़ी साइट है, तब भी उसकी साइट नहीं चलती है, इतने एक एक महीने में भी इतने फार्म नहीं भरवा पाते हैं। तो भाई यूपी प्लस से की बहुत वैकेंसी निकली है, 25-30 लाख फार्म भरे जाएंगे, यूपी प्लस बहुत बार वैकेंसी साइट नहीं बन पाती, तो भाई साइट नहीं चलेगी लास्ट में। आपने फार्म नहीं भरा हो तो अभी भर सकते हैं, क्योंकि हमारा अंदाजा है, पूरा पूरा अंदाजा क्या पूरा है कि नहीं, कि लास्ट में क्या होगी, यूपी प्लस कॉन्स्टेबल की फॉर्म की डेट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्लियर है, 100% फॉर्म की डेट बढ़ेगी। ऐसा नहीं है फॉर्म की डेट बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन आप बढ़ने का इंतजार मत कीजिए। आपके डॉक्यूमेंट बन गए होंगे, 2 मिसाल का सर्टिफिकेट बन गए हों, और हों तो आप अभी फॉर्म भर दीजिए। आप सोच रहे हो कि हम लास्ट में भरें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, फॉर्म की लास्ट की डेट नहीं, मतलब डेट लास्ट डेट के समय साइट नहीं चलती। SSC GT में ऐसे ही बहुत सारे लड़कों का कमेंट आया, सर हमारे फॉर्म नहीं भरे गए, हम लास्ट का इंतजार करते रहे, क्योंकि 10-15 दिन से उसकी साइट नहीं चल रही थी, सब इंतजारी करते रहे, बस भरे भरे भी नहीं गए, SSC ने साइट भी नहीं, मतलब SSC ने सीधा नोटिस दे दिया था पहले कि हम इसकी डेट नहीं बढ़ाएंगे, भाई फॉर्म भी नहीं भरे गए, अब रह गए वो, तो अपना फॉर्म अभी भर लीजिए, ठीक है? बढ़ने के चांस हो चाहे ना हो, बढ़ेगी डेट अलग बात है, लेकिन अपना फॉर्म अभी भर लीजिए, डेट बढ़ेगी लेकिन ये चांस है। आप चांस ये मत सोचिए कि बढ़ जाएगी, ठीक है? तो अपनी तैयारी करते रहिए, फॉर्म भर दीजिए, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, जरूर ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट लगाना मत भूलिए। ऑनलाइन जहाँ भी आपके पास कोई भी मतलब चीज़ हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ भी लगा रहे हो वो लगाइए। ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिए हो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपने आसपास कोई जो कोचिंग देख ली वहाँ पर भी लगा ली ऑफलाइन, लेकिन पता है आप सभी को यूपी प्लस का एग्ज़ाम है जो कैसा होता है, ऑफलाइन होता है। तो ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि हम ऑफलाइन मॉक टेस्ट ही लगाएं। क्यों? क्योंकि एक मिनट क्योंकि देखो, ऑफलाइन मॉक टेस्ट क्यों लगाएं, देखो बताएं पहली बात कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट क्यों, एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है, जब आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपकी एग्ज़ाम हॉल जैसी भी फीलिंग आएगी, जैसे आप कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग जा रहे 50-60 बच्चों या 10-20 बच्चों के बीच में मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको फीलिंग कैसी आएगी, एग्जाम हॉल जैसी, और एग्जाम हॉल जैसा ही प्रेशर आपको मिलेगा, वो झेलने की आदत है, वो झेलने के मतलब कि ताकत हो जाएगी आपके पास कि हम एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आपके सही क्वेश्चन कितने बनना है उसका एनालिसिस जरूर कीजिए। जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं ना बहुत से दोस्त, तो उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जब मॉक टेस्ट लगा रहे तो उसका एनालिसिस करना कि उसी एनालिसिस से ही आप नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर एनालिसिस नहीं कर रहे, मॉक टेस्ट लगा कर छोड़ दे रहे, तो आप नंबर इंक्रीज नहीं कर सकते, जरूर ध्यान रखें, ठीक है? तो आपको ठीक है, मतलब कि जो डेट है वो बढ़ेगी
नहीं बढ़ेगी, वो बात अलग है। अपना फॉर्म भरिए, तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, ऐसी प्रकार से करते रहिए। और कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, किसी उस पर हम बहुत सारी PDF डालते रहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चनों की। और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं कुछ अधिक जानकारी के लिए, जैसे कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है, तथा इंस्टाग्राम ID की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो उससे जाके जुड़ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।